जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों यदि आप एयरफोर्स का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी है, वो है स्लेट वाली फ़ोटो, जो कि कंपलसरी है और बिना इसके फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। रिजेक्ट होगा या ना होगा ये तो बात की बात है, लेकिन रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इस वजह से आपका दायित्व बनता है कि आप फ़ोटो स्लेट वाले ही लगाएं। अब बात आती है कि कहीं कहीं ऐसी जगह पर यदि आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि ऐसी दुकानें ना हो जहाँ पे स्लेट की व्यवस्था हो, या फिर ज़्यादा पैसा लग रहा है। तो हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि बिना स्टूडियो जाए खुद से कैसे स्लेट वाली फ़ोटो बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा आपको, यहाँ पे देखिए हमने कई स्टेप में इसे तैयार किया है। हमने एक फ़ोटो ऐसे शूट किया है कि जैसे लग रहा है कि हाँ हमने स्लेट पकड़ा हुआ है, जैसे कि देखिए आप इस फ़ोटो में देख लीजिए। उसके बाद हमने क्या किया, इसका बैकग्राउंड ब्लू किया है जो कि फॉर्म में रिक्वायरमेंट है। तो बैकग्राउंड कैसे ब्लू करेंगे वो हम अभी दिखाएंगे आपको। और उसके बाद फिर हमने इस स्लेट पे कंप्यूटर के थ्रू इस पर नाम और डेट ऑफ फ़ोटो लिखा हुआ है। अब इसे कैसे लिखेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। स्लेट आपको डाउनलोड कर लेनी है, अदरवाइज अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो बताइएगा, इसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से भी आप इसे जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कोशिश करिए आप फ़ोटो बनवा लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं बनवाएंगे तब भी आपको जब पेपर देने जाएंगे तो आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप बन जा रहा है तब तो ठीक है, नहीं बन पा रहा है, अगर कहीं व्यवस्था नहीं है तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे, इसको पेंट से ओपन करेंगे, ओपन विथ पेंट। ठीक, फिर इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा जूम कम करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा साइज है इसकी। तो कीबोर्ड से कंट्रोल और माइनस बटन प्रेस करेंगे, अगर उससे नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, तो माउस का जो स्क्रोलर बार होता है उसको थोड़ा सा नीचे दबाएंगे। फिर से एक बार दिखा देते हैं, इसको इस तरह करेंगे, ओपन विथ पेंट करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज का ऑप्शन रहता था लेकिन अभी इसमें दिखा नहीं रहा है। ठीक, तो इसको उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा इतना कर लेते हैं, ऊपर नीचे हो जाएगा ये। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नाम लिखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए ब्रश का ऑप्शन रहता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट में सभी कंप्यूटर में ऑलरेडी रहता है, इसमें अलग से इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ से, या फिर अगर आप सर्च मारेंगे इस तरह पेंट टाइप करेंगे तो भी ये आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इस पर हमें नाम लिखना है। तो यहाँ ब्रश पे टाइप करेंगे, सबसे नीचे जो दिख रहा है हल्की सी एरो टाइप, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ये वाला लेंगे ब्रश। इस पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, अभी शो करेगा, एयर ब्रश। ठीक है, आपको एयर ब्रश लेना है। एयर ब्रश लेने के बाद फिर यहाँ साइज पे आना है, साइज को फुल कर देना है। अभी कलर यहाँ ब्लैक है तो इसको हम वाइट कर देंगे, क्योंकि हमें चाक जैसा कलर चाहिए। तो ये यहाँ से 24 पिक्सल पे हो गया। अब हमें जो नाम लिखना है वो इस पर हम लिखेंगे। इसे मान लिया मुझे अनुराग लिखना है, तो आपको थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, अदरवाइज को लिखने में थोड़ा सा राइटिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लिख तो जाएगा ही। तो यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं और नाम जो है आपको कैपिटल लेटर में ही लिखने हैं, या फिर जैसे इस तरह दिक्कत हो रही है तो इसको आप सिंपल लिखिए, क्योंकि फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से लिखिए। अगर जिससे अच्छा कम चटक लग रहे हैं तो दोबारा दोहरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे यहाँ पे देखिए दोबारा रह गया, इसको हम फिर से मिटा देते हैं। ठीक, तो ये हो गया नाम। अब नीचे और आदि कोई और नाम है, कुमार है, मिश्रा है, जो हो तो नीचे आप वो लिख सकते हैं। तो चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नीचे भी। ठीक,
हूबहू एकदम इस चाक जैसा हो जाएगा ये, जब आप छोटा करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक, ये हो गया, तो ये तो हो गया नाम। अब नीचे आता है डेट ऑफ फोटो, तो अगर आप डेट ऑफ फोटो लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे DOP भी लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ सकते हैं, क्योंकि फिलहाल मैं लिख देता हूँ क्योंकि हमारे पास जगह काफ़ी है। ठीक, उसके बाद आपको जिस दिन फ़ोटो खिंचवा रहे हैं उस दिन की डेट लिखनी है, तो आज जैसे 25 जून 2022 है, तो यहाँ पे हम 25, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे फिर हम 25 चाहे आब्लिक लगा दी चाहे डैश लगा दी, जो लगाना हो लगा सकते हैं यहाँ पे। चलिए मैं आब्लिक ही लगा देता हूँ, 25 जून 2022 लिख दीजिए, या सिर्फ 22 ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्लेट वाली फोटो हमारी और स्लेट तैयार हो गई है। अब इसे कंट्रोल एस करेंगे तो ये सेव हो जाएगी, तो इसे हम सेव एज कर लेते हैं क्योंकि हमें इसकी फाइल ओरिजिनल रखनी है, तो किसी हम दूसरे नाम से इसको हम सेव कर लेते हैं जिससे कि हमारी ओरिजिनल फाइल गड़बड़ ना हो, इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। तो ये एक फाइल देखिए हमारी ये तैयार हो गई है। ओके, अब हम इस स्लेट को रखेंगे उस फोटो पे, तो चलिए हम एक नया फोटो आपको खींच के यहाँ पे ले आते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक दूसरा फोटो जो है डाउनलोड कर लिया है, उसे हमने खींचा है कुछ इस तरह से, इस तरह आपको भी खींच लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका सबसे पहले बैकग्राउंड हटाना है, तो आप अपने कोई भी ब्राउज़र में आएंगे, यहाँ से आपको टाइप करना है remove.bg, इतना लिखेंगे तो आपको वेबसाइट आ जाएगी, इस तरह से वेबसाइट है। उसके बाद आपको यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड पे आए या फिर अपलोड इमेज पे डायरेक्ट आ सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे डायरेक्ट अपलोड लिखा हुआ है, हो सकता है आप जब पहली बार लॉगिन करें तो यहाँ पे इस तरह आएगा, तो यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे इमेज आप रखे हैं उस इमेज को सेलेक्ट कर लें। अब इसका देखिए एक सेकेंड में बैकग्राउंड हट गया। अब यहाँ से एडिट पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं लेकिन हमें ज़रूरत है नीले की, तो हम यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हमें चूज कर लेना है ब्लू कलर, तो ये हमारे फ़ोटो का बैकग्राउंड नीला हो गया है। अब यहाँ नीचे डाउनलोड है, इस पर क्लिक करेंगे फ़ोटो। अब बात आती है पेंट से करने की, तो पेंट से कैसे करेंगे उसके लिए देखिए क्या करना होगा। पेंट से करने के लिए पूरा प्रोसेस तो आपने यहाँ तक कर ही लिया है, इसके बाद आपको क्या करना होगा, पेंट में दिक्कत ये आ रही है, इसके जो ऊपर वाला ऑप्शन है ये कट जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे एडिट पिक्चर पे जाएंगे, फिर से बता देते हैं, ओपन विथ पिक्चर मैनेजर अगर है तो पिक्चर मैनेजर करिए, तो ओपन विथ पिक्चर मैनेजर करिए, एडिट पे जाइए, क्रॉप करिए और इसके ऊपर वाली जो मुंडी है इसको हटा दीजिए, इसका झंझट ख़त्म कर देंगे तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। ये हो गई फ़ोटो रेडी। अब हम इस फोटो को पेंट से ओपन करेंगे, फिर यहाँ पेस्ट पे जाएंगे, पेस्ट फ्रॉम पे जाएंगे और इस फोटो को चूज कर लेंगे। अब हमारा टेंशन ख़त्म हो गया कि पीछे का वो बैकग्राउंड आ रहा है, थोड़ा सा इसे शिफ्ट के साथ में छोटा करेंगे। ध्यान देना इसमें पेंट फोटोशॉप की तरह छोटा नहीं होता है, अगर यहाँ पे छोटा हो गया उसके बाद आप बड़ा करेंगे तो फ़ोटो फट जाएगी, इसको धीरे धीरे करके छोटा करना है। ठीक है, इसे थोड़ा सा और कर लेना है, अब ये परफेक्ट हो गई है, इसको थोड़ा सा नीचे कर दीजिए जिससे कि लगे ना कि हाँ ये अलग से लगाई गई है, तो मेरे ख्याल से तैयार हो गई है। अब इसको यहाँ से क्रॉप कर देंगे क्योंकि इसकी साइज फ़ोटो से बड़ी थी, इस वजह से ये साइड में आ गया, ये तैयार हो गई फ़ोटो। इसे बॉर्डर लगाना है तो यहाँ से आप बॉर्डर चूज करिए, जिस कलर का बॉर्डर लगाना हो
इस तरह से रखिए, यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं ये। अब चूंकि ये बॉर्डर मोटा है तो इसको यहाँ से पतला भी कर सकते हैं। तो ये फोटो हो गई रेडी। इसकी साइज देखिए कितनी है, 284 KB। इसकी साइज कैसे घटाएंगे वो हमने अपना वीडियो बना के डाल चुके हैं, पूरे फॉर्म का साइज कैसे सेट करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ देख रहे हैं कैसे हमें स्लेट वाली फ़ोटो बनाना है, बिना किसी स्लेट के, बिना कंप्यूटर फोटोशॉप की दुकान पर जाए हुए, घर से ही कैसे बनाया जाता है। तो फोटो हमारी रेडी हो गई है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।